सो दिस इज़ द थिंग जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ स्पेशल। सो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे को नहीं जानता है, मेरा नाम ऋषभ ब्लॉग से, मैं थोड़े बहुत वीडियो बनाता हूँ अच्छे यूट्यूब के लिए। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में अभी अभी वोटिंग हुई है, और वोटिंग के लिए हम लोगों को ये लगाया जाता है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, उंगली पे निशान, जिसके कारण क्या रहता है, वैलिडेशन होती है कि हाँ ये बंदे ने वोट दिया है। इस चीज़ के बारे में आज मैं कुछ ऐसी यूनिक चीज़ बताऊंगा जो शायद इस चीज़ के बारे में जानकारी आप लोगों को और कहीं नहीं दिया होगा। मैं एक्चुअली अभी पैकअप कर रहा हूँ, मैंने अपने पूरा सब सामान वगैरह पैक कर लिया है, देखो दिखाता हूँ, पूरा ये सब पैक कर लिया हूँ मैं, और अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी दानी के घर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से बैठ के डिटेल में बताता हूँ। हाँ, बात करेंगे। मौसम तो ठीक बढ़िया लग रहा है वैसे, पीछे देखो धूप वूप भी नहीं है उतनी ज्यादा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी थोड़ा सा निकल के वीडियो वगैरह बनाया जाए, समझ रहे हो ना। तो मैं हूँ अभी प्रभात दानी के रूम में, आप लोग देख सकते हो यहाँ मिस्टर प्रभात दानी बैठे हुए हैं, और इसका ये मिस्टर टिंगरी जिसका नाम है ऑलिव, क्या देख रहे हैं। तो अभी अपन लोग इसको स्विच कर लेता हूँ 2 मिनट को। अभी मैं आप लोगों को इस वोटर इंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगी। जो ये इंक है वो बनती है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, यहाँ बनती है, जो कर्नाटका की कंपनी ओन्ड है वो चीज, तो वहाँ बनती है ये वाली जो इंक है। तो इस इंक को इनडेलिबल इंक भी कहा जाता है, और ये हर तरह के इलेक्शन में यूज होती है, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन, असेंबली एंड लोकल बॉडी पोल, हर तरह के इलेक्शन में ये चीज यूज होती है। ये कंपनी एक्चुअली 28 अदर कंट्रीज है जिनको ये इंक सप्लाई करती है, जिसमें पाकिस्तान, टर्की, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है। तो ये हम लोगों को फक्र की बात होनी चाहिए कि हमारे इंडिया से एक इतनी बड़ी चीज सप्लाई होती है जो बहुत बड़े चीज पे काम आती है। वोटिंग इज नॉट अ सिंपल थिंग, ये बहुत बड़ी चेंजेस लाने के लिए होती है, तो हर एक कंट्री में वोटिंग जो होती है वो इसीलिए यूज होती है। मैं कोई चीज बताने की जरूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर है इस चीज से। ये बहुत बड़ी चीज है कि जब अदर कंट्रीज में भी वोटिंग होती है तो उसमें हमारी इंक को यूज किया जाता है जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हुई है कर्नाटका में। सो इस इंक का जो सबसे मोस्ट प्रीशियस, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जो इस चीज को इनडेलिबल मीन्स अनइरेजेबल बना देता है, वो इस इंक का मेन एलिमेंट जो कि है सिल्वर नाइट्रेट से जैसे ही हम लोगों की वो इंक हमारे उंगली में लगाई जाती है, और जैसे ही हमारी सनलाइट हमारे इस इंक के ऊपर पड़ती है, तो वो उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती है, और अल्ट्रावायलेट रेज के कारण एक रिएक्शन होता है जिसके कारण ये इंक को मिटाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर आप लोग को इसको मिटाना तो शायद कोई ना कोई आप लोगों को केमिकल यूज करना पड़ेगा जो आपकी स्किन को इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इस इंक को जब हम लोग लगाते हैं, जब कोई भी एक वोटर देने के बाद किसी को लगाया जाता है इंक को, तो फ्रॉम द स्किन टू नेल दिया जाता है, बिकॉज अगर ये कहीं भी कोई भी हल्की सी भी लाइट पे एक्सपोज होती है तो इसको मिटाना मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा। या अगर हमारी जो स्किन है, स्किन के जो डेड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, डेड सेल्स आने के बाद वो इंक वहां से रिप्लेस होती है, मतलब हटती है, और नेल को तो कोई उखाड़ नहीं सकता, तो मतलब धीरे धीरे ही होता है, मतलब समझ रहे हो ना, केमिकल के प्रभाव में आते हैं। कुछ कुछ केमिकल वाली चीजें जैसे यूज करते हैं, जैसे हर चीज में केमिकल होता है थोड़ा बहुत, तो थोड़े जो केमिकल होते हैं वो इसको काटते हैं, और धीरे 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 चीजें जो होती है वो फेड होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को मैं देना चाहता था, कि मेरे को लगता नहीं कि शायद आप लोगों को और कोई कहीं से पता चला होगा। अगर आप लोगों के पास पता होगी ये चीज नॉलेज तो बहुत अच्छी बात है। देखो मेरे को कैसे चाट रहा है ये, भाई छोड़ दे मेरे को, मेरी ईयरफोन खा जाएगा, अरे छोड़ देना भाई, यहाँ कैमरे गिर जाएंगे, अरे क्या कर रहा है। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि आप लोगों को पता चले कि हमारे इंडिया में जो ये चीज़ है इंक जो है वो कितनी इनक्रेडिबल है। अरे भाई तू एकदम गले ही पड़ गया मेरे, पागल कर दिया मेरे को। तो ये जो इंक है वो कितनी इनक्रेडिबल है, और हम लोग कितनी कंट्रीज को हेल्प करते हैं, अरे बोलने तो दे मेरे को, हम लोग कितनी सारी कंट्रीज को हेल्प करते हैं जब उनकी वोटिंग होती है, उसमें इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाऊं कि आप लोगों को मैं कैसे सिखाऊं कि ये वॉश कैसे होता है, एटलीस्ट मैं आप लोगों को ये चीज की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि ये इंक को मिटाना बहुत मुश्किल है, और ये इंक इतनी कॉमन चीज है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता। तो मैं बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की तरफ थोड़ा सा दिखाना चाहता था, आप लोगों को बताना चाहता था, सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाया मैं। और बाकी आप लोग अभी आगे ब्लॉग का मजा लेना, थोड़ा बहुत अभी पता नहीं मेरे को तो क्या होने वाला है। तू भाई छोड़ दे मेरे को, इसको देखो, ये देखो इसको, अरे मेरे पीछे ही पड़ गया है तू। तो जब अभी आप लोगों ने देखा वो एक बॉम्ब पीसी है, वो पीसी बनवाया है अभी अभी मिस्टर प्रभात ने, प्रभात अब
अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन बताओ अपने बाजू आ जाता हूँ हाँ अब बताइए मैं अपना i7 8th gen और इसमें ग्राफिक कार्ड है 1060 OC एडिशन ASUS की तरफ से और मदरबोर्ड भी ASUS की तरफ से हमने इंटेल ऑप्टेन डाला है इंटेल ऑप्टेन शायद किसी को पता ना तो एक बार सर्च कर लेना बहुत ही बॉम्ब और अपना M.2 SSD डाले हैं बस यही सब है ज्यादा एक्चुअली इंटेल ऑप्टेन का मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ क्या करते हैं जैसे SSD होती है SSD थोड़ी सी फास्ट बूट होती है ना हार्ड डिस्क को भी वो बहुत बूस्ट कर देता है जो उसकी रीडिंग स्पीड होती है उसको और फास्ट करने के लिए ऑप्टेन डलता है तो वो उसने डलवाया इसलिए और सबसे जो आइकॉनिक चीज है वो इसका मॉनिटर है कर्व्ड मॉनिटर है HP का बहुत ही बेहतरीन है और बाकी पूरे गेमिंग प्रेफरेंस लगे हुए हैं इसमें बेहतरीन है पूरा बॉम्ब PC बनाया है इसने कितना कॉस्ट हुआ ये सबसे बड़ी जानकारी देने वाली बात है को अप्रोक्सीमेटली पड़ा 1.5-2 lakh सर 1.5-2 lakh का अगले ने PC बनवा दिया है और तुम मानिए ना मैं कोई दिक्कत ही नहीं अच्छा कोई पे नहीं करता है ना फिर से तुम लोग गलत समझ लेते तो यार तू मेरे को एक बात बता कि मैं अभी देख रहा हूँ देखो आप लोगों को जैसे मैं सेटअप दिखाता हूँ इसका इसके सेटअप में बढ़िया इसने पोस्टर वगैरह लगाया है और ये जो ऊपर लगा है वो क्या है जो ऊपर लगा हुआ है दिस इज अ साउंड बार फ्रॉम बोट और इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसका प्राइस मेरे को पड़ा था 9000 का और इसमें एक सबवूफर आता है और एक साउंड बार का जो अलग जो जिसमें रहता है सैटेलाइट स्पीकर से साउंड बार अलग इसलिए रहता है क्योंकि उसका जो साउंड क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छा रहता है और जो उसके वोकल्स रहते हैं वो ज्यादा क्लियर रहते हैं सैटेलाइट स्पीकर ओके तो ये कुछ जानकारी मिली है हम लोगों को आज के वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए सोच रहे बहुत सारी खुल के तो अभी हम लोग वही थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा क्या इतने हाई एंड PC पे थोड़ा गेमिंग वेमिंग कर लेता हूँ पबजियाँ खेल लेता हूँ मैं भी लेकिन ये पबजियाँ मोबाइल खेलना पड़ेगा सोच रहे 1060 6GB ग्राफिक कार्ड है उसमें हम लोग पबजी मोबाइल चलाते कौन देगा पैसा हम लोग पैसे के लिए नहीं रो रहे गेम महंगा है 1000 रुपए इसलिए रो रहे हैं जैसे गेम ठीक है ज्यादा महंगा नहीं है हाँ वैसे मैं जैसे रेनबो सिक्स सीज वाला प्लेयर हूँ तो रेनबो सिक्स सीज में को अप्रोक्सीमेटली 400 कुछ पड़ा 500 के अंडर पड़ा था मेरे को ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी पिछले साल या फिर उसके भी पहले बहुत अच्छा है मैं भी एक गेमर हूँ जो गेमिंग वाला नहीं उसके लिए तो बोर हो जाएगा आप लोगों को आज मैं एकदम सेटल सा नॉर्मल सा व्लॉग देने का कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज लगातार डालना है ना व्लॉग्स देखो तो गाइज मैं घर आ चुका हूँ और मेरे को पता भी नहीं चला कि देखते ही देखते बहुत जल्दी टाइम निकल गया और रात के 10 बज गए थे अभी फिलहाल 10:30 हो रहा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं घर पहुँचा हूँ कुछ कुछ देख रहा था मैं PC वगैरह पे अपने और यार बस मेरे को आप लोग को यही इन्फॉर्मेशन बतानी थी इसके बारे में बिकॉज मेरे को लगता है कि ये चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कम लोग को पता होगी जितने मेरे व्यूअर्स उनको ही मैं अपनी इन्फॉर्मेशन अगर बता दूँ मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़े से अवेयर रहो ये सब चीज़ों के बारे में बिकॉज ये सब चीज़ें हमारे बहुत आजू बाजू देखने को मिलती है बट हम लोग इतना ज़्यादा कभी ध्यान नहीं देते उस पर एंड स्टिल ये अभी भी मैं बोलता हूँ ये इसको निकालना बहुत मुश्किल इसलिए है बिकॉज थैंक्स टू द केमिकल मेकर्स ये चीज़ को बनाए हैं हमारे चेन्नई में और सप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्रीज जैसे मैंने आप लोगों को कुछ कुछ बताया डेनमार्क पाकिस्तान यूनाइटेड किंगडम ऐसी जगह पे हमारी तरफ से वो इंक जा रही है वहाँ पे सेमी परमानेंट है बट वो उसका इलाज बहुत तगड़ा है मतलब परमानेंट ही समझ लो इंक परमानेंट है तो थैंक्स टू हमारे चेन्नई के जो हमारे जो मेकर्स है जिन्होंने ये इंक को बनाया उनके वजह से आज हमारी कंट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दूसरी कंट्रीज के लिए बिकॉज उनको कोई एक इंक चाहिए थी जो कुछ ऐसी थी और हमारे इंडियंस ने ऐसी इंक को डेवलप किया जो समझ लो परमानेंट है उसको कोई नहीं निकाल सकता और एक बहुत अच्छा निशान बन के रहती है उंगली पे और बस गाइज मैं आप लोगों को बस यही चीज़ बताने के लिए वीडियो बनाया ताकि आप लोग तक ये बात पहुँचे और आप लोग को भी पता चले कि हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें अच्छी हो रही है और मैं थोड़ा सा यही सब चीज़ चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं आप लोग को अवेयर करूँ ये सब चीज़ के लिए बहुत कॉमनली ये सब चीज़ देखने में जैसे किसी को भी वोटिंग देने के बाद हम लोग देखते हैं उसकी उंगली में निशान बना होता है बट हम लोग को नहीं पता उस इंक की कितनी मान्यता है वो क्या है वो चीज हैट्स ऑफ यार हमारे जो यहाँ पे क्रिएटर्स हैं उनको जो जिन्होंने ये चीज को बनाई है और बस यही था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था थोड़ा सा और एक छोटा सा व्लॉग था सीख था एक कि हमारे इंडियंस भी हैं जो क्रिएटिव हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस देखने के लिए शुक्रिया मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद तब तक के लिए बाय बाय